हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग से शेयर करूंगी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे, डिलीशियस एमी बन के तैयार होगी ये पास्ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है छोटा सा, इसे हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे एक कटोरी के करीब, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब, और उसके बाद हम आधा चम्मच के करीब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, ताकि इसमें हम पास्ता डालेंगे तो पास्ता बॉईल होने के बाद चिपकने लगती है, तो वो अलग अलग खिली खिली बॉईल होगी, इसीलिए मैंने इसमें तेल डाल लिया है। एक उबाल आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें पास्ते को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पास्ते को डाल दिया है और 2 से 3 मिनट में ये बॉईल होकर तैयार हो जाता है। तो इसे हम छान लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने इसे छान के निकाल लिया है। वापिस से उसी कढ़ाई में हम 2 टीस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इधर मैंने एक प्याज और एक टमाटर, उसमें थोड़ी हरी धनिया की पत्ती ली है मसाले में, पास्ता मसाला, मिर्ची पाउडर और नमक लिया है थोड़ा सा। उसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे प्याज और एक बारीक हरी मिर्ची काट ली थी वो भी मैंने ले लिया था, उसे मैंने डाल दिया, और प्याज को भून लेंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, और उसके बाद हम मसाले डाल देंगे। तो हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर ली थी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ली थी फ्रेंड। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिला लेंगे, मसालों को भून लेंगे। गैस के फ्लेम को बहुत ही कम रखेंगे क्योंकि ये मतलब सूखे मसाले हैं तो जलने लगते हैं। उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुना गए हैं। अगर ये कढ़ाई में थोड़ी सी चिपकने लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो ये मतलब हो जाएगी, चिपकेगी नहीं कढ़ाई में। उसके बाद हम इसमें पास्ते को डाल देंगे, गैस के फ्लेम को कम करके ही रखेंगे, जितने पास्ते हैं सबको डाल देंगे और मसाले में लोटपोट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम थोड़ी देर तक हम पकने देंगे इसी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से सारे पास्ते को मिक्स करके तैयार कर लिया है मसाले में, और ये जो हमारा पास्ता है ये 100% कुक होकर के तैयार हो चुका है। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है दिखने में ही, और खाने में तो पूछे मत, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से हमारा पास्ता बन के तैयार हो चुका है, और आप लोग ज़रूर एक बार इस तरीके से बना के ट्राई करें और बहुत ही टेस्टी लगेगी ये खाने में फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।